सकते हैं फ्रेंड्स, गृह विभाग की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। आइए आपको हम विस्तार से बता देते हैं ताकि आप जो कल से अपनी नई जिंदगी की फिर से शुरुआत करें उसमें आप क्या करें क्या न करें, किस तरीके से लॉकडाउन को हटाया गया है, पूरी व्यवस्था यहाँ पर बताई गई है। तो आइए बारी बारी से जानते हैं। कोरोना वायरस जनहित महामारी की दूसरी लहर से देश को अनेक राज्य सहित बिहार में भी कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या में वृद्धि पाए जाने पर राज्य सरकार द्वारा अप्रैल माह में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चरणबद्ध तरीके से आंशिक प्रतिबंध लगाए गए। इस क्रम में दिनांक 5/5/2021 से दिनांक 8/6/2021 तक चार चरणों में, यहां पर आपको बता दें, राज्य सरकार के सभी कार्यालय को बंद रखते हुए सभी प्रकार के वाहन एवं व्यक्तियों के आवागमन, सार्वजनिक स्थलों के एवं समारोह पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए गए। इन प्रतिबंध के फलस्वरूप राज्य में कोरोना संक्रमण की दर एवं प्रभाव में आशानुकूल सुधार हुआ है। वर्तमान में राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 10,000 के नीचे आ गई है। आपको बता दें, राज्य सरकार द्वारा लगाए गए इन पूर्ण प्रतिबंधों के पश्चात यद्यपि कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में सफलता मिली है, किंतु वर्तमान स्थिति में प्रतिबंधों को पूरी तरह से हटाया जाना घातक हो सकता है। अतएव व्यक्तियों, वाहन के आगमन, कार्यालय एवं दुकान प्रतिष्ठानों को खोलने तथा सामाजिक एवं अन्य कार्यक्रम समागम के संबंध में लगाए गए प्रतिबंधों को चरणबद्ध रूप से स्थिर करने की आवश्यकता है। उपयुक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए दिनांक 8/6/2021 को आपदा प्रबंधन समूह CMG की बैठक में कोरोना के संक्रमण की स्थिति को नियंत्रण में रखते हुए कार्यालय, दुकान प्रतिष्ठानों तथा सामाजिक एवं अन्य कार्यक्रम समागम के संबंध में दिनांक 9/6/2021 से 15/6/2021 तक निम्नतः प्रतिबंध लागू करने का निर्णय लिया गया है। यानी लॉकडाउन तो हटा लिया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें 9 तारीख से, ठीक है, यानी कल 9 है, कल से 15 तक क्या क्या प्रतिबंध रहेगा उसके बारे में आप जान लीजिए। तो पहला है, सभी सरकारी कार्यालय एवं गैर सरकारी कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ 4 बजे अपराहन तक खुलेंगे, यानी 4 बजे शाम तक खुलेंगे। पहले 25% था, अब 4 बजे अपराहन तक खुलेगा और 50% जो कर्मचारी है वो काम करेंगे। सरकारी कार्यालय में आगंतुकों का प्रवेश वर्जित होगा। अपवाद में आवश्यक सेवाओं तथा जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, पशु आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय, कोषागार एवं उनसे संबंधित, वित्त विभाग के कार्यालय, खाद्यान्न की अधिप्राप्ति से संबंधित कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की आवश्यक गतिविधियों से संबंधित कार्यालय यथावत कार्य करेंगे। न्यायिक प्रशासन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय प्रभावी होगा। दूसरा, सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान, यहाँ पर आपको बता दें कि सभी दुकानों की बात कही जा रही है, यानी कोई एक पार्टिकुलर दुकान नहीं, जैसे कि 3 दिन यहाँ पर नाई की दुकान खुला रहना था और 3 दिन अपना कपड़ा का दुकान, तो ऐसा नहीं है। सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान 1 दिन बीच कर, ठीक है, अल्टरनेट डे प्रातः 6 से 5 बजे अपराहन तक खुल सकेंगे। तो यहाँ पर जो दुकानें हैं वहाँ पर आपको बताया गया है कि सभी दुकानें, एक प्रतिष्ठान और एक दिन बीच का, ठीक है, अल्टरनेट डे प्रातः 8 से 5 बजे तक अपराहन तक खुले रहेंगे। जिला पदाधिकारी इस संबंध में आदेश निर्गत करेगा। यानी एक दिन बीच करके खोला जाएगा, यानी आज कपड़े दुकान, जूते दुकान खुले हुए हैं तो दूसरे दिन कुछ और की दुकान खुलेगी, इस तरह से। अब अपवाद में क्या क्या चलेगा यहाँ पर आपको बता दें, बैंकिंग, बीमा, ATM संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ के कार्यालय, गतिविधियाँ, औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान, सभी प्रकार के निर्माण कार्य और यहाँ पर ई कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियाँ एवं कुरियर सेवाएं, कृषि एवं इससे जुड़ी कार्य, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्ट एवं केबल सेवाएं संबंधित गतिविधियाँ, पेट्रोल पंप, LPG, पेट्रोलियम आदि से संबंधित, खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान, कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं, निजी सुरक्षा सेवाएं, ठेला एवं फल सब्जी घूम कर बिक्री और उर्वरक, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्रों से संबंधित प्रतिष्ठान, दुकानें, आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी, मांस मछली, दूध, PDS की दुकानें प्रतिदिन प्रातः 6 से 5 बजे तक अपराहन तक खुलेगी, यानी 5 बजे शाम तक खुलेगी। उपरोक्त फल एवं सब्जी की दुकानें को जिला पदाधिकारी सेक्टर करेंगे, जिससे एक ही स्थान पर दुकानें न रहें और भीड़ न हो। जैसा कि सब्जी दुकानों को हटाकर अलग कर दिया जाएगा ताकि एक जगह पर ज़्यादातर भीड़ न हो और उसे जो है संक्रमण का खतरा कम रहे। दुकानें प्रतिष्ठान का संचालन निम्नलिखित शर्तों के साथ किया जाएगा। दुकान प्रतिष्ठान में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दुकान प्रतिष्ठान के काउंटर पर दुकानदार द्वारा कर्मियों एवं आगंतुकों उपयोग हेतु सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी। दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेंस की मानकों को 2 गज की दूरी का अनुपालन किया जाएगा, जिसके लिए सफेद वृत्त चिन्हित किए जाएंगे। उपयुक्त शर्तों का पालन नहीं किए जाने पर जिला प्रशासन द्वारा अग्रेतर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तीसरा, अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, पशु स्वास्थ्य सहित उनके निर्गत एवं
वितरण इकाइयां, सरकारी एवं निजी दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान यथावत कार्य करेंगे। चौथा, सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता के मात्र 50% की उपयोगी अनुमति रहेगी, यानी बस वगैरह जो भी है वो चलेगा लेकिन उसमें जो बैठने की क्षमता है वो 50% ही रहेगा। आगे आपको बता दें, पांचवा, यहाँ पर सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। स्कूल और कॉलेज अभी नहीं खोला गया है। इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी। ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था की जा सकेगी। रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानों का संचालन केवल होम डिलीवरी के लिए प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक अनुमान होगा। राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित ढाबे टेक होम के आधार पर कार्यरत कर सकेंगे। आवासीय होटलों में अतिथि के लिए इन रूम डाइनिंग अनुमान्य होगा। सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए भी बंद रहेंगे। सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल कूद, शैक्षणिक और सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन समारोह प्रतिबद्ध होंगे। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार की आयोजन सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी। विवाह समारोह अधिकतम 20 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किया जा सकेंगे, किंतु इनमें डीजे एवं बारात जुलूस आपको नहीं लेके जाना है। स्थानीय थाने को कम से कम 3 दिन पहले आपको इसकी सूचना दे देनी होगी, ठीक है। आगे आपको बता दें, 12वां में बताया गया है, यहाँ पर राज्य में संध्या 7 बजे से प्रातः 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। उक्त अवधि में निम्न अनुमान्य होंगे, स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न वाहन एवं स्वास्थ्य प्रयोजनार्थ प्रयुक्त निजी वाहन, अनुमान कार्यों से संबंधित कार्यालय, सरकारी वाहन और वैसे निजी वाहन जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा किसी विशेष कार्य हो तो ई पास निर्गत है। सभी प्रकार के मालवाहक और वैसे निजी वाहन जिनमें हवाई जहाज, ट्रेन की यात्री का टिकट हो, ठीक है। और कर्तव्य जाने पर सरकारी सेवकों एवं आवश्यक अनुमान सेवाओं के निजी वाहन, अंतर्राज्यीय मार्ग पर अन्य राज्यों को जाने वाली वाहन, निजी वाहनों में परिचालन तथा पैदल आवागमन पर नाइट कर्फ्यू की अवधि को छोड़कर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। सार्वजनिक एवं निजी वाहनों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इनका पालन नहीं करने पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। जिला पदाधिकारी स्थानीय परिस्थितियों की समीक्षा कर उपयुक्त प्रतिबंधों के अतिरिक्त एवं अधिक सख्त प्रतिबंध लगा सकेंगे, किंतु किसी भी परिस्थिति में उपयुक्त प्रतिबंधों को शिथिल नहीं किया जा सकेगा। सभी जिला पदाधिकारी उपयुक्त कांडिकाओं में वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु दंडनीय पदाधिकारी संख्या की धारा 144 के अंतर्गत निर्देशन निर्गत करेंगे। तो जान लिया आपने, ये जो 9 तारीख से यानी कल से जो नया वाला नियम है उसके बारे में पूरा विस्तार से आपको बता दिया, ठीक है। तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो को फ्रेश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बता दीजिए गुड बाय एंड